गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का ब्राइट कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल क्लास में स्वागत है। और आप लोगों के लिए आप आज एक स्पेशल सीरीज लेकर आए हैं जो आपका प्रत्येक एग्जाम के लिए पिछले आपका 2-3 साल से कर सकते हैं कि आपका ये क्वेश्चन जो आपका बहुत एग्जाम में पूछ रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, आपका सरलीकरण का। तो देखते हैं ये आपका इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग शॉर्टकट में पढ़ाएंगे। ऐसे तो आप बेसिक से बनाओगे तो थोड़ा लंबा हो सकता है, 1.5-2 मिनट समय लग सकता है, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा आप 10 सेकेंड के पहले भी आप क्वेश्चन को बना सकते हो। और दोस्तों जो हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि और लोगों को आपका बेनिफिट इसको मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, समय बर्बाद न करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं कोई दोस्तों, पहले हम लोग बेसिक समझते हैं इसका। अब क्वेश्चन आपको दे रहा है 1/2 + 1/2 = 2/3। और अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बेसिक तरीका, अगर मैं पहले बेसिक तरीका बात कर रहा हूँ तो इसका बेसिक तरीका अगर करोगे तो 1/1 - 1/2 करोगे तो आपका इसका लघुत्तम लोगे तो 1 - 2, 2 - 1 = 1/2 बच जाएगा। इस चीज़ को हम लोग इतना लिख सकते हैं, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1/2 - 1/3 लिख सकते हैं जी, क्योंकि आप लघुत्तम लोगे तो 2 * 3 होगा, 3 में से 2 गए 1/2 हो जाएगा। उसी तरह आगे भी सीरीज आप लिख सकते हैं 1/3 - 1/4 प्लस डॉट आप लिख सकते हैं 1/99 - आपका क्या हो जाएगा जी 1/100। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि चलिए 1/2 - ± ± ± ± कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या जी 1/1 बचेगा और 1/1 क्या बचेगा जी 100 बचेगा, 1/100 बचेगा। इस चीज को हम लोग बनाते हैं, लघुत्तम लेते हैं 100 का, 100 का लघुत्तम 100 हो जाएगा, 100 में से 1 गया आपका क्या होगा जी 99 होगा, 99/100 क्या आएगा 100 हो जाएगा, 99/100 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका नॉर्मल था इसलिए हम लोग बेसिक से नॉर्मली बना लिए। और देखते हैं मैं इसको बनाऊंगा तो आपका फॉर्मूला से बताऊंगा, ट्रिक से बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ा वेट करिए, धैर्य बनाइए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद मैं फर्स्ट क्वेश्चन पुनः मैं आपका सॉल्व तरीका मैं बताऊंगा, पहले दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगर दूसरे क्वेश्चन पर हम आते हैं, देखते हैं यहाँ पर 1/3 * 7 है, 1/7 = 11 है, इसको अगर हम 1/3 - 1/7 अगर करते हैं जैसे ये इसको किया है तो ये तो आपका इस रूप में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 * 7 लघुत्तम हो जाएगा, 7 में से 3 गया क्या आएगा 4, जबकि यहाँ पर आए क्या जी 1, यानी गलत हो जाएगा। इसको देखिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंट 4 है, यहाँ पर भी डिफरेंट 4 है, यहाँ पर भी डिफरेंट 4 है, सभी जगह डिफरेंट कितना है 4 का डिफरेंट है, यहाँ पर भी डिफरेंट भाई 4 है और यहाँ पर भी 4 है डिफरेंट और यहाँ पर भी 4 है, सभी जगह डिफरेंट आपका 4 है। यह एक प्रकार का स्पेशल सीरीज है। देखते हैं अगर हम 1/4 अगर कॉमन लेके चलते हैं, 1/4 अगर लेके चलते हैं सब में कॉमन, ऊपर लिख सकते हैं, हम बेसिक बता रहा हूँ अभी आपको, बेसिक बता रहा हूँ तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि 4 ऊपर लिख सकते हैं यानी 3 * 7 लिख सकते हो, बेसिक मैं बता रहा हूँ। मैं ये आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, उसके बाद टोटली क्वेश्चन हम लोग सैकड़ों में सॉल्व करोगे। चलिए इसको लिख सकते हैं ये 4/7 * 11, क्योंकि कॉमन लेके चलो तो 4 कट जाएगा, 4 ये कट जाएगा, फिर यहाँ पर लिख सकते हैं 4/11 * 11 = 15 प्लस डॉट उसी तरह लिख सकते हैं 4/899 * 903, ये चीज़ हम लिख सकते हैं, अगर 4 कॉमन लेके चलोगे तो 4 से 4 कट जाएगा और क्वेश्चन आपका उसी रूप में आ जाएगा। अब देखते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं 1/4, अब इसको हम 1/3 - 1/7 लिख सकते हैं जी, इसको देखते हैं लघुत्तम लोग चलोगे तो 3 * 7 लघुत्तम 3 * 7 हो जाएगा, 7 में से 3 गया क्या हो गया 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं 1/7 - 1/11 पुनः आपको इस रूप में आ जाएगा, प्लस 1/11 - 1/15 प्लस डॉट आपका लिख सकते हैं प्लस 1/899 - 1/903। अब देखते हैं हम अगर माइनस प्लस कैंसिल करेंगे तो आपका बचे क्या,
एक बटा चार ये जो बाहर निकाले है ये चीज है कॉमन, और एक बटा तीन माइनस, और अंत में क्या बच रहा है ये एक बटा में 903। देखिए फाइनली हमारा रिजल्ट इतना है, फाइनली मेरा मान इतना आ रहा है, ये समझिए क्या है, यही पर आपको ट्रिक मिलेगा। और एक बटा जो चार जो मैं लिखा हुआ एक बटा चार, ये चार एक आपको ऊपर रहेगा, चार जो है डिफरेंट है, ये जो चार जो दिया गया बाटा में वो क्या होगा, ये अलग डिफरेंट होगा, डिफरेंट यहाँ पर इस सीरीज स्पेशल सीरीज में डिफरेंट क्या होगा जी, अलग आपका इक्वल होगा, हमेशा आपका क्या होगा जी इक्वल होगा, तो डिफरेंट यहाँ पर चार है यानी ये सब डिफरेंट, यानी यहाँ पर जो वैल्यू लेके चलेंगे डिफरेंट लगे चलेंगे। यहाँ ये क्या है देखिए तीन फर्स्ट नंबर और एक बटा में फर्स्ट नंबर, यानी क्या करेंगे एक बटा में फर्स्ट नंबर फॉर्मूला बनेगा, और 903 क्या है जी आपका लास्ट नंबर, लिख सकते हैं इसको जी लास्ट नंबर, यानी आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा जो ट्रिक बनेगा वन बटा में डिफरेंट, ये आपका ट्रिक बन जाएगा वन बटा में डिफरेंट, वन बटा में फर्स्ट, वन बटा में फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर माइनस वन बटा में लास्ट नंबर, लास्ट नंबर, ये आपका ट्रिक बन जाएगा। ये इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग इस स्पेशल सीरीज का कोई भी क्वेश्चन बहुत फास्ट बना सकते हैं, देखते हैं इसी पर सारा बनेगा, सारा इसी बनेगा, इस तरह से हम लोग करने के समय बर्बाद करेंगे, इसलिए ऐसा हम लोग काम ना करेंगे। अगर ये अगर फार्मूला पता है, ये ट्रिक पता है, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे भाई देखते हैं, जैसे यहाँ पर तीन सात है, देखिए एक चीज और है इस स्पेशल सीरीज का, जहाँ पर इसका अंत हो रहा है यहाँ पर अगला सीरीज का स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर अंत हो रहा है 11 से, यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है 11 से, यहाँ पर भी पिछला क्वेश्चन मैंने बनाया, यहाँ पर दो पर इंड हुआ दो से स्टार्ट हुआ, तीन से इंड हुआ अगला में तीन से स्टार्ट हो गया, चार से इंड हुआ चार से स्टार्ट हो गया, इस तरह का आपका सीरीज आपका स्पेशल सीरीज ये होता है। तो क्या करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला वन बटा में डिफरेंट, वन बटा में डिफरेंट क्या है चार, चार वन माइनस वन बटा में फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है तीन माइनस वन बटा में लास्ट नंबर क्या है 903। बस मात्र हम लोगों को इसका कैलकुलेशन करना है, हल करना है, बाकी ये सब हम लोगों का फालतू चीज होगा। चलिए आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमको क्या करना है जी, इसका सलूशन करना है। चलिए देखते हैं इसका सलूशन, हम लोग देखते हैं भाई इसका सलूशन क्या होगा, जो भी आंसर होगा देखिए 903 है, या तो 903 आएगा, 903 फैक्टर होगा, दो गुम दिखाई दे रहा है देखिए। चलिए इसको ठीक है दोस्त, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं दोस्त आगे, देखते हैं इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, ये एक बटा चार आएगा और वन बटा में तीन और नौ बटा आपका ये एक बटा में 903, लघुतम लेकर चलोगे तो क्या आएगा 903 आएगा, लघुतम कितना आएगा जी 903। चलिए लघुतम कितना हो जाएगा 903, जब लघुतम 903 हो जाएगा इसको कटाओगे तो कितना आएगा 301 माइनस ये तीन, तीन से गुणा करो तितरी का नौ, तीन जीरो तितरी का नौ, 903 हो जाएगा, यानी आपका ये आपका बचेगा 301 और यहाँ पर कितना होगा एक हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे एक बटा चार गुना 301 में से एक गया यानी 300 बटा में कितना हो जाएगा जी 903 हो जाएगा, और इसको कटाएंगे और चार को कटाएंगे, चार एक बार में कटेगा, चार एक बार में कटेगा और ये कितना 75 चौका हो जाएगा, हो जाएगा ना 75 चौका हो जाएगा, और ये 25 दिया हो जाएगा 301 हो जाएगा, तीन से कटेगा ना जी, ये कटाओगे इसको तो क्या हो जाएगा ये तीन, ये 25 हो जाएगा तीन से कटाओगे तो, और ये 301 हो जाएगा, 25 बटा में 301 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा जी बी, राइट आंसर क्या होगा जी बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। ठीक है हम देखते हैं इसी फॉर्मूला पर इसको बनाते हैं, वन बटा में क्या है डिफरेंट, यहाँ पर डिफरेंट कितना एक है, यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर डिफरेंट कितना है एक है, यहाँ पर भी डिफरेंट एक है, यहाँ पर भी डिफरेंट एक है, और यहाँ पर भी डिफरेंट क्या है कि एक है, तो वन बटा में डिफरेंट, वन बटा में फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है एक माइनस वन बटा में लास्ट नंबर, लास्ट नंबर क्या है 100, यानी वन बटा में क्या करोगे जी 100 करोगे। देखिए आपको ये चीज आया था वन बटा वन कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये वन वन माइनस ये हो जाएगा वन बटा में 100 यानी कितना हुआ जी 99/100। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर तीन है, आपको लग रहा होगा कि सर ये बटा पर जोड़ है इसको जोड़ देंगे लघुतम निकाल के बन जाएगा, लेकिन आप करोगे तो आपको दो चार मिनट लग सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है इसी स्पेशल केस पर है, लेकिन इस क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के लिखा
तरीका है, लेकिन इसमें आपको आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए क्या करते हैं, देखिए भाई इसको अगर फैक्टर करोगे तो 4 × 5 दो लगदार संख्या हो जा रहा है, 4 × 5 प्लस इसको तोड़ोगे तो क्या होगा जी, 5 × 6। अब ऐसे समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है, इसका अंतिम इसका फर्स्ट, इसका अंतिम इसका क्या होगा जी फर्स्ट, यानी क्या होगा 6 × 42 हो जाएगा, इसका अंत में 7 है तो इसका शुरुआत में 7 हो जाएगा, 8 × 7 क्या होगा 56 प्लस इसका अंत में 8 है इसका शुरुआत में 8 होगा, 8 × 9 = 72 प्लस एक आपका क्या होगा 9 × 10 हो जाएगा। इतना लिख सकते हैं, जब इतना लिख सकते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला ट्रिक है वो क्या है, 1/डिफरेंट डिफरेंट कितना है 1 है, सभी जगह डिफरेंट क्या है 1 है, सभी जगह डिफरेंट कितना है 1 है, तो 1/में डिफरेंट फॉर्मूला है 1/में डिफरेंट, 1/में फर्स्ट नंबर, देखिए 1/में क्या आ गई फर्स्ट नंबर, 1/में फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर क्या आ गई 4 माइनस 1/में लास्ट नंबर, लास्ट नंबर क्या आ गई 10, यानी ये 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे 1/1 कोई परवाह नहीं पड़ेगा, लघुतम कितना होगा जी, इसका लघुतम हो जाएगा 20, लघुतम 4 और 10 का लघुतम कितना होगा 20, ये 5 हो जाएगा और ये कितना होगा 2, यानी कितना हो जाएगा 3/20, इसका आंसर कितना होगा 3/20। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका उसी तरह क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जस्ट उसी तरह क्वेश्चन है, इसको तोड़ते हैं आपका देखते हैं, 5 × 7 करोगे तो 7 × 5 = 35, जब इसका अंत हो रहा है 7 से तो इसका शुरुआत हो रहा है 7 से, 7 × 9 = 63, देखिए गैपिंग दो दो का है, गैपिंग दो दो का गैपिंग है, यहाँ पर जब 9 से इंड हुआ तो 9 से स्टार्ट हुआ 11 × 9 = 99 प्लस 11 से आपका इंड हुआ 11 से स्टार्ट 11 × 13 हो जाएगा 145, 13 आपका इंड हुआ 13 से स्टार्ट करो 13 × कितना करोगे जी 15, 14 × 96 से 195 13 × 15 करोगे तो 100 कितना होगा 195 हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या है, 1/में डिफरेंट, डिफरेंट कितना है चल देखते हैं भाई, डिफरेंट आपका 2 है, 1/में 2 लिख सकते हैं, डिफरेंट कितना है 2 है, सभी जगह डिफरेंट 2 है, 1/2, 1/में फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है आपका 5 है माइनस लास्ट नंबर कितना है 15 है, लास्ट नंबर कितना है जी 15 है, 15 है। अब इसका सोल्यूशन करते हैं 1/2 लघुतम आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और ये आपका क्या बचेगा यहाँ पर 3 − 1 हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं इसको 1/2 × 2/15, ये 2 से 2 कैंसिल होगा यानी कितना होगा ये 1/15। देखते हैं, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखते हैं भाई नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखने से आपको लग रहा होगा कि जो अलग आपका सीरीज है लेकिन ये स्पेशल सीरीज का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका कह सकते हैं क्वेश्चन आपका इधर उधर कर सकता है लेकिन आपका जो तरीका होगा ट्रिक फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे। ये क्या है देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये सबको पता होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, तो भाई इसको लिख सकते हैं यानी एक बार घटाओगे एक बार जोड़ोगे, घटाओगे तो क्या होगा 2 में से 1 हो गया और जोड़ोगे तो क्या होगा 2 क्या होगा ये 3 हो गया, लिख सकते हैं इसको इसको लिख सकते हैं प्लस, ये देखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्वायर लगा सकते हो, एक स्क्वायर करो तो 1 आएगा, एक बार घटाओगे 4 में से 1 घटाएगा 3 और 4 क्या होगा जी 5, अब लॉजिक समझ में आ गया होगा, 3 से इंड 3 से स्टार्ट, गैपिंग कितना है जी 2 का, यहाँ पर देखते हैं 6 में से 1 क्या हो गया 5 और 6 क्या हो गया जी 7, यहाँ पर देखते हैं 5 ले इंड 5 ले स्टार्ट, गैपिंग भी 2 का प्लस डॉट डॉट, 20 में से 1 कितना होगा 19 और 20 में भी कितना होगा 1, ऐसा ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा। अब देखते हैं भाई फॉर्मूला हमारा क्या है, 1/में डिफरेंट, डिफरेंट कितना है, डिफरेंट कितना है भाई 2 है, सभी जगह डिफरेंट कितना है 2 है, तो 1/2 फर्स्ट नंबर क्या आएगी 1 है, 1/1 माइनस लास्ट नंबर क्या है 21 है, 1/21 इसको लिख सकते हैं 1/2 × आपका लघुतम कितना होगा 21, 21 में से 1 गया कितना हो गया 20, 20/21 कटेगा 2 10 बार यानी क्या हो जाएगा ये 10/21, डायरेक्ट आंसर क्या होगा
बटन है, एक क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखते हैं भाई आगे नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, मैंने बोला था कि जहां से आपका यील्ड होगा सेकेंड सीरीज वहां से स्टार्ट होगा। यहाँ पर देखते हैं अभी जो क्वेश्चन मेरा मिल रहा था दो दो मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है भाई तीन तीन का है, तीन तीन का। जब दो दो का रहेगा तो आप एक एक का पेड़ लगाएंगे, जो तीन तीन का रहेगा तो दो दो का लगाएंगे, और चार चार का रहेगा तो आपका तीन तीन का लगाएंगे। देखिए शुरुआत हो रहा है एक गुना चार, और इसका यील्ड कितना से हो रहा है चार गुना सात, चार गुना सात से आपका यील्ड हुआ, चार गुना सात से क्या होगा शुरुआत हुआ, समझिए इस मैटर को। सात गुना दस से आपका यील्ड हो गया, और सात गुना दस से क्या हो गया स्टार्ट हो गया। उसी तरह तेरह गुना सोलह से आपका यील्ड हुआ, और सोलह गुना और आपका सोलह गुना उन्नीस से क्या होगा ये आपका यील्ड होगा, और ये आपका शुरुआत हुआ तेरह गुना सोलह से। तो ये भी सीरीज आपको समझ में आ गया होगा। और डिफरेंट जो निकालना है, डिफरेंट आपका भाई जो होगा डिफरेंट देख लेते हैं, डिफरेंट ये फर्स्ट और लास्ट यानी एक और सात, डिफरेंट कितना है छः, चार और दस डिफरेंट कितना है छः, यहाँ पर भी डिफरेंट छः और यहाँ पर भी डिफरेंट छः और यहाँ पर भी डिफरेंट कितना है ये छः, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। फार्मूला क्या है वन बटा में डिफरेंट, डिफरेंट क्या है सिक्स है, वन बटा में फर्स्ट नंबर, फर्स्ट क्या है एक गुना चार, फर्स्ट नंबर क्या है एक गुना चार, ना एक लेके चलेंगे, तीन तीन का पेड़ रहेगा तो आपका दो दो लेके चलेंगे। माइनस लास्ट नंबर क्या है यानी एक बटा में सोलह गुना क्या होगा उन्नीस, आपका लास्ट नंबर ये चीज है। बस इसका क्या करना है ये सोल्यूशन कर लीजिए, इसका सोल्यूशन क्या होगा देख लेते हैं हम लोग। लघुतम देखिए सोलह गुना उन्नीस और गुना ये चार, चार के इसमें आए तो लघुतम जो बनेगा क्या बनेगा सोलह गुना उन्नीस बनेगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका चार है, चार से भाग लगाओगे चार बचेगा उन्नीस चौबीस छिहत्तर, तो यहाँ पर आएगा कितना छिहत्तर, छिहत्तर माइनस वन हो जाएगा यानी एक बटा में सिक्स गुना पचहत्तर बटा में कितना हो जाएगा सोलह गुना उन्नीस हो जाएगा। इसके कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखते हैं भाई ये देखिए तीन से कटाइए पच्चीस, ये दो बार में आएगा तीन दूनी है पच्चीस दिया हो जाएगा, पच्चीस दिया हो जाएगा, अब आपका नहीं कटेगा नहीं, पच्चीस बटा में कितना हो जाएगा पच्चीस बटा में आपका हो जाएगा, देखिए कहीं है ऊपर पच्चीस दो गो में, देखिए कितना है सोलह गुना उन्नीस है ना, सोलह गुना उन्नीस है, गुना कितना है दो है, तो सोलह गुना उन्नीस करोगे कितना नौ छः चौवन तीन सौ चार हो जाएगा, और दो सौ गुना करोगे तो कितना आएगा छः सौ आठ हो जाएगा, यानी क्या आएगा ये पानी छः सौ आठ हो जाएगा, यानी पच्चीस बटा में छः सौ आठ आएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। ठीक है होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, इस लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए तीन तीन का सीरीज था लेकिन यहाँ पर कितना का ये चर्चर का है, जब चर्चर का रहेगा तीन तीन का बनाएंगे यानी एक गुना दो गुना तीन, और फर्स्ट नंबर होगा एक गुना दो गुना तीन, और इसका यील्ड जो करेगा दो गुना तीन गुना चार से करेगा, यानी दो गुना तीन गुना चार से यील्ड किया तो दो गुना तीन गुना चार से क्या किया शुरुआत किया, उसी तरह चार गुना पाँच गुना तीन गुना चार गुना पाँच से यील्ड किया तो तीन गुना चार गुना पाँच से यील्ड शुरुआत करेगा, और लास्ट नंबर क्या है पंद्रह सोलह गुना पंद्रह सत्रह गुना अठारह है, वन बटा में डिफरेंट, डिफरेंट क्या होगा एक और चार डिफरेंट कितना होगा तीन, दो और पाँच डिफरेंट कितना होगा तीन, और पंद्रह और अठारह डिफरेंट कितना होगा तीन, ये डिफरेंट समझ में आ गया। देखते हैं वन बटा में डिफरेंट, वन बटा में फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर क्या होगा आपका एक गुना दो गुना तीन होगा, माइनस लास्ट नंबर क्या आएगा जी सोलह गुना सत्रह गुना क्या आएगा अठारह आएगा, इसको सॉल्यूशन कर लेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका फाइनल आंसर क्या होगा। आई होप कि आप लोगों को आज के बाद स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, और इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलती है, ओके गुड बाय।